ये सब बात कैमरे के सामने क्यों है बाबा, हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे ना। बाद में तो सॉल्व हो नहीं रहा है मैं। अरे भाई मुझे भी तो चाहिए किसी के साथ शेयर करने के लिए, तो ऑडियंस के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, ये भी मेरे फैमिली ही है। तो मुझे ना यहाँ पे रहना ही नहीं। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं खुद चली जाती हूँ यहाँ से। तो आपका भी तो क्या कर सकते हो, बोलो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। मैं अगर चली जाती हूँ, रुको, मैं अगर चली जाती हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा। हे माई ब्यूटिफुल हनीबीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आफरीन। तो गाइज आज ना सुबह सुबह मैं सो रही थी तो मम्मी ने कॉल किया कि हम दोनों आ रहे हैं, मतलब मम्मी और पापा आ रहे हैं। तो सुबह सुबह मैं फटाफट उठ गई, उठ के पहले मैंने अपना बेड को अच्छे से ठीक कर लिया। बट गाइज मेरी जो माइक है ना वो इतना ज़्यादा पास है कि बेड ठीक करते करते वो दोनों आ गए थे। फिर उसके बाद ना हम सब ने मिलकर बेडशीट चेंज किया। फिर उसके बाद देखा मम्मी मेरे लिए लेके आई थी ये पीठा एंड ये कुछ फ्राइज जो है, ये मेरा काफी ज्यादा फेवरेट है। वैसे ये पीठा जो है इसको हिंदी में कुछ कहते हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, और पता भी नहीं बाहर के लोग खाते हैं कि नहीं खाते, क्योंकि बंगाली लोगों का इस सीजन में विंटर में ये सारे जो पीठे काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीठा होता है, तो ये सब हम लोग खाते हैं एंड बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अब मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो मैं तो सुबह दूध पीती हूँ, बट आज सोचा पीठा ही खा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मम्मी पापा के लिए मैं बना रही थी कॉफी। सच कहूं तो आज बहुत दिन बाद मम्मी पापा आए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्रेगनेंसी से पहले मैं और रीजू जाते थे उन लोगों के घर, मतलब चाय वाय पी के स्नैक्स खा के आ जाते थे, बट आजकल तो वो बहुत ज़्यादा लेट आते थे एंड रात को मैं ज़्यादा बाहर तो निकलती भी नहीं हूँ, इसीलिए तो जा भी नहीं पाती हूँ। तो बहुत दिन बाद ये लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब सासू माँ आके बोल रहे थे कि लंच करके जाओ आप लोग आते नहीं हो, बहुत दिन बाद आए हो, बट मम्मी पापा ने कहा के नहीं आज लंच नहीं करेंगे, किसी और दिन आके खाएंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली पास में होते हैं ना इसीलिए ज़्यादा ये आके खाना पीना ये सब कुछ मतलब होता नहीं है, बस आके चाय वाय पी के चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े जम गए हैं, इन सब चीज़ों को वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद मम्मी पापा आए हैं मिलने के लिए एंड और मेरी फेवरेट जो पीठा है वो भी लेके आए हैं। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने तो खा भी लिया। और मतलब मम्मी को ज़्यादा जल्दी नहीं है, मम्मी खाना बना के आई है, तो मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी देर बाद जाएंगे, बट अब्बू को अभी जाना है घर में, तो अभी फ़िलहाल वो लोग थोड़ा सा छत पे गए हैं, फिर नीचे आके वापस चले जाएंगे। पता है गाइस मेरे घर पे जितने भी सारे चीज़ें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एंड फेवरेट चीज़ है मेरी वही है वॉशिंग मशीन। अच्छा हुआ हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसको खरीद लिया था, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मतलब उनका ऑफिस का हर रोज़ का कपड़ा रहता ही है, हर रोज़ उसको वॉश करना पड़ता है एंड प्रेगनेंसी में मैं नीचे सही से बैठ नहीं पाती हूँ, और इस हालत में कपड़े साफ़ करना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। एंड मतलब सच में यार अगर ये नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो गाइस फिलहाल के लिए वो लोग चले गए यार, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा दिन ना मैं घर पे अकेली रहती हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड तो चले गए, आज संडे है पता है, और फिर भी उनका आज ऑफिस है, तो मतलब कितना बुरा लगता है, बट जल्दी जल्दी आ जाएंगे आज वो। एंड सासू माँ पूरा दिन अपने काम में बिजी रहती है एंड मैं क्या करूँ, मैं पूरा दिन घर पे बैठी रहती हूँ, और आजकल तो मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ तो ज़्यादातर टाइम मैं बेड पे लेटी रहती हूँ। एंड फिर भी मतलब घर पे जब लोग आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक काम करो यार, आप लोग ना कभी कभार मुझसे मिलने के लिए आ जाया करो, आप लोग आओगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब बात करने लायक तो कोई तो होगा, वरना अकेले अकेले यार बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। इसीलिए मैं ना हमेशा सोचती हूँ पता नहीं कब मेरा बेबी आएगा, क्योंकि बेबी जब आ जाएगा ना तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब उसको लेके पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीत जाएगा अच्छे से। कपड़े ऑलमोस्ट हो गए और होने के बाद ना छत पे जाना मुझे अलाउड नहीं है, देखो ये जो सीढ़ी है ना इसीलिए। गाइस क्या होता है ना, पहले क्या होता है, पहले जब भी वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े देती थी सूखने के, मतलब ये होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, मैं खुद जाती थी ऊपर छत पे कपड़े सुखाने के लिए,
बट आज से अभी से क्या होता है ना, बट मतलब काफी दिनों से क्या हो रहा है, मुझे छत पे नहीं जाने के लिए दिया जा रहा है क्योंकि सीढ़ी में कोई रेलिंग नहीं है हम लोगों का, और सीढ़ी भी पूरा राउंड है, तो कभी कभार क्या होता है ना, मुझे शायद चक्कर आ सकती है, ऐसा उन लोगों को लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अचानक से चक्कर आ जाएंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी आजकल सासू माँ खुद कपड़े सुखाने के लिए जाती है एंड कपड़े वो खुद लाते हैं ऊपर से, मुझे छत पे जाना बिल्कुल भी अभी मना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब देखो गाइस, मतलब कभी कभार क्या होता है, छत पे जाना अच्छा लगता है थोड़ा सा, अगर आप मतलब अच्छा नहीं लगता है तो छत पे थोड़ा सा टहलने से मूड अच्छा रहता है, बट मेरा तो छत पे भी जाना मना है, तो आप लोग सोचो मेरा पूरा दिन कैसा जाता होगा। तो गाइस अभी शाम का टाइम है और मैं ये फ्राइज अभी बनाऊंगी, मतलब इसको फ्राई करूंगी, ये खाने का मेरा बहुत दिनों से मन था, काफ़ी दिनों से, अच्छा हुआ मम्मी लेके आए। एंड रिजू वापस आए थे ऑफिस से, आज थोड़ा सा जल्दी आ गए, तो मुझे लगा था एक साथ इसको फ्राइज ये मैं बनाऊंगी फिर एक साथ हम दोनों चाय पियेंगे, बट वो फिर से चले गए क्योंकि उनको शेविंग करवाने हैं एंड कल उनको दोबारा ऑफिस जाना है। एक्चुअली उन्होंने कहा था कि आज वो ऑफिस जाएंगे और कल वो छुट्टी ले लेंगे, कल वो ऑफिस नहीं जाएंगे, बट अभी मैं सुन रही हूँ कल भी उनको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं उतना कुछ किसी को बताती भी नहीं हूँ ये सब चीज़ों के बारे में। एक्चुअली क्या होता है ना, लाइफ में गाइस बहुत से प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, बट उतना हम लोग सोशल मीडिया में उतना कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं कि भाई क्या लाइफ में चल रहा है, हमेशा अच्छा ही अच्छा दिखाते हैं, बुरा जो हो रहा है हमारे साथ वो चीज़ हम लोग कभी किसी को बताते नहीं हैं, हम लोग हमेशा दिखाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, एंड जो बुरे चीज़ होते हैं लाइफ में उसको हम लोगों को खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि रिजू बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है मेरा, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है मेरा। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर टाइम मैं उनके साथ बिताऊँ, बट वो घर पर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं आजकल, मतलब जब से उनका प्रमोशन हुआ है वो हमेशा हर रोज़ ऑफिस जाते हैं, संडे को भी वो ऑफिस जाते हैं एंड पूरा हफ्ता ऑफिस में ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है, वो रात को घर वापस आते हैं 9:30 कभी कभी 10 बज जाते हैं, तो उतना लेट वो घर वापस आते हैं, फिर उसके बाद सुबह वो निकल जाते हैं, तो मेरे साथ वो कितना टाइम रहते हैं, बस रात तक, रात में हम दोनों एक साथ सो जाते हैं, बस उतना टाइम है, एक साथ हम लोग डिनर करते हैं, बस उतना टाइम है। तो सुबह मेरा उठने से पहले वो निकल जाते हैं ऑफिस, तो मतलब उनके साथ मेरा कुछ मतलब क्या बताऊँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी मैंने सोचा कि वो थोड़ा सा जल्दी आए तो एक साथ बैठ के हम लोग थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, शाम एक साथ गुजारेंगे, बट अभी वो चले गए शेविंग करने के लिए, अभी वो वापस आएंगे, मैं बताती हूँ आपको, अभी 6 बज रहे हैं, वो आएंगे 9 बजे तक वो आएंगे, वहाँ पे उनका कुछ दोस्त वगैरह भी हैं। तो इससे क्या होता है ना, मैं पूरा दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरा अकेले अकेले से जाता है, मतलब पूरा दिन मैं अकेली रहती हूँ घर पर। तो गाइज अभी ये घर वापस आए और आके ये देखो आप फोन लेके बैठ गए। अरे थोड़ा बहुत देख रहे हो, बात थोड़ा बहुत की नहीं है यार, मतलब मेरा भी तो कुछ ये है ना, आप पहले बताओ, आपको अगर काम करना है मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन देती हूँ, आप ऑफिस में रह जाओ पूरा, वहाँ पे बोलो आपको एक रूम देने के लिए, क्योंकि आप जब से आपने ऑफिस ज्वाइन किया, मतलब उन लोगों के लिए आपने काम शुरू किया, तो मतलब आपने आपका पूरा लाइफ उन लोगों को दे दिया। अरे नहीं, तो घर भी देने के लिए बोल दो आप, यहाँ पे आने की आपको सच में कोई डर चल रहा है ना, थोड़ा प्रेशर है बस, और कुछ ईयर एंडिंग की बात नहीं है, आप फोन रखो, बात कर रहे हैं ना। बोलो। तो इनका मतलब गाइस क्या रहता है ना, हमेशा यही चलता है, इनको हमेशा काम करना पड़ता है, इनको छुट्टी नहीं मिलती है, संडे मंडे कोई डे इनका कुछ भी नहीं है, ये बात नहीं है, काम का प्रेशर है इसीलिए। हाँ आपका प्रेशर है पता है मुझे, बट फैमिली को टाइम देना भी तो एक काम है, ड्यूटी है, देंगे, आपका बिल्कुल देंगे। हाँ ये
लेकिन थोड़ा इस महीना जाने दो। ये चीज मैं पहली बार नहीं सुन रही हूँ, हर एक महीने में मेरा सेम है। एक तो देखो गाइस प्रेगनेंसी में क्या रहता है, आप जितना हंस खेल सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा रहता है, बेबी के लिए भी अच्छा रहता है। करूं भी तो क्या करूं, तुम तो शाम को कहीं जाती ही हो नहीं। नहीं मैं आजकल जा नहीं पा रही हूँ, इनका क्या है जब भी वो जल्दी ऑफिस से आ जाते हैं चलो कहीं बाहर चलते हैं। हाँ काफी, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत से लोगों के हस्बैंड है जो उनको बाहर नहीं लेके जाते हैं, तो उस हिसाब से ये काफी अच्छा है। हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं चलो कहीं बाहर चलते हैं, बाहर जाके कुछ खा के आते हैं, घूम के आते हैं, सही है। बट मेरी बॉडी अभी मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मैं बाहर नहीं जा पा। ठीक है तो छुट्टी ले लूंगा ना, अभी अभी थोड़ा काम है उसको निपटाने, तो बस थोड़ा बस। काम ये तो काफी दिनों से, अभी आप लोग इनको सपोर्ट करोगे मुझे पता है, अभी आप लोग ये कहोगे कि हाँ आपका तो हस्बैंड बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है, छुट्टी लेने के भी बात बोल रहे हैं, बट ये चीज मैं बहुत सुन चुकी हूँ। पता है गाइस मैं खुद व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, आप लोग हमेशा मुझसे कहते हो ना कि दिया व्लॉग बनाओ, एवरीडे का व्लॉग बनाओ, कुछ बनाओ, बट मैं किसको लेके बनाओ आप बताओ। मैं पूरा दिन मैं घर पे बैठी रहती हूँ, पूरा दिन मैं मतलब मेरा पूरा दिन अकेले ही जाता है। अरे बात वो नहीं है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को बहुत, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर, नया नया मैन पावर रिक्रूटमेंट हुआ है, उन लोगों को ट्रेनिंग देना, वो सब तो मेरे ऊपर रहता है ना, उसके बाद घर का तो मैं कर रहा हूँ ना। आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नहीं नहीं आप हर रोज 9-10 बजे घर आते हो आने के टाइम पे, हाँ बाबू क्या चाहिए तुमको, क्या खाना है, मेडिसिन ठीक है, फ्रूट आ गए हैं या फिर खत्म हो गए हैं, तो कुछ मेडिसिन चाहिए, कुछ खाने का मन कर रहा है, आप ला रहे हो पता है, बट आप कब वापस आ रहे हो घर, आप आ रहे हो 10 बजे 11 बजे, आप सुबह सुबह जा रहे हो, प्रेशर रहता है, आप संडे जा रहे हो, आप हर रोज जा रहे हो। नहीं गाइस सच में यार मैं तो पूरा दिन मैं अकेले क्या करूँ, आप लोग एक काम करो, तुमको मैं मम्मी के घर भेज देता हूँ, ये तो सोल्यूशन नहीं है। तो क्या करूँ मैं, वहाँ पे भी अगर मैं मायके भी जाऊँ तो यहाँ पे अभी ससुराल में क्या होता है, मेरा यहाँ पे सास और ससुर है और ये रात को आते हैं, सोते हैं, सुबह चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कौन है, मम्मी है, पापा है और कोई नहीं है, तो मेरा पूरा दिन सेम ही जाएगा। ये सब बात कैमरे के सामने क्यों रे बाबा, हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे ना। बाद में तो सॉल्व हो नहीं रहा है मैं अरे भाई मुझे भी तो चाहिए किसी के साथ शेयर करने के लिए, तो ऑडियंस के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, ये भी मेरे फैमिली ही है, फैमिली वालों को तो सब कुछ पता ही है, मेरे फैमिली को तो सब कुछ पता ही है कि इनको, इनके पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों को भी पता चलना चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी इनका फोन भी आ गया, मतलब फोन रात को भी फोन आते हैं, ऑफिस के लोग रात को भी फोन करके मतलब ऑफिस के बारे में बात करते हैं, तो आप इंसान मतलब क्या करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो इनका कोई ना कोई ऑफिस कलीग कॉल कर लेते हैं, फिर ऑफिस का फसेड़ा लेके पड़े रहते हैं, तो ये खाना खाते खाते भी उन लोगों से बात करते हैं। अरे तो पूरा दिन दिमाग में, तो पूरा दिन दिमाग में ऑफिस का काम रहता है। हाँ इनको मतलब देखो कॉल कट कर रहे हैं फिर कॉल कर रहे हैं, तो मतलब इतना उन लोगों को काम, मतलब पता नहीं कौन है ये लोग, इतना क्यों काम करते हैं। अरे नहीं बाबा ये अभी ये टाइम चल रहा है ना, तो इसीलिए और कुछ नहीं, टाइम तो ये मैंने जाने दो, इस मैंने जाने दो, उसके बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमेशा ही चलता रहता है ना, ये हमेशा ही चलता रहता है, मैं आप लोगों को और क्या बताऊँ, ये सब बात हम लोग जब शुरू करेंगे ना तो आज खत्म नहीं होगा, सारा रात ऐसे चलता रहेगा, तो आप लोगों को क्या झमेला मैं क्या दिखाऊँ, मतलब अभी मेरे पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है बाबा ठीक है, तो फिर मैं पूरा दिन मेरे पास कुछ होता ही नहीं है। एक काम करो तुम, एक दिन मेरे साथ ऑफिस में चलो, देखो मैं सारा दिन क्या क्या करता हूँ। हाँ काम करते हो, मैं क्या दिखाऊँ और क्या देखूँ, मैं सच में बिजी हूँ यार, मैं बिजी होने का ये नहीं कह रहा। पूरा दिन रहो आप, काम करते हो आप, मेरे साथ पूरा दिन रहो तो देखना मैं चुपचाप ऐसे यहाँ पे बैठी रहती हूँ, फोन में ये वो चीजें देखती रहती हूँ और हो जाता है मेरा दिन, ऐसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है हम लोग बैठ के इसको सॉल्व आउट करेंगे, देख लेंगे, तुम ये मत हो, ठीक है हम समझ, तुम बहुत लोनली हो, ठीक है। मुझे सच कहूँ तो मुझे ना रहना ही नहीं है यार, मुझे इस घर पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। मुझे देखो भाई पहले भी जब भी मैं मायके में जब भी रहती हूँ वहाँ पे भी तो कोई ऐसा है नहीं, मेरे मम्मी पापा ही है, यहाँ पे सास ससुर है, तो और ये है तो ये तो घर पे रहते नहीं है, कुछ नहीं, तो मुझे ना यहाँ पे रहना ही नहीं। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं खुद चली जाती हूँ यहाँ से, तो आपका भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। मैं अगर चली जाती हूँ, रुको, मैं अगर चली जाती हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा।
तो थोड़ा तो समझो, मैं फोन को बंद कर दूंगा घर पे आके, ठीक है। हाँ अभी वो नया नया प्रेशर आ रहा है तो मैं थोड़ा इसीलिए टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसको, चल जितना जल्दी हो सके, बस इस महीने जाने दो, नेक्स्ट महीने से आई विल टेक केयर, ठीक है ना।